मध्य प्रदेश के बड़वा के नर्मदा तट पर स्थित ग्राम मेहता खेड़ी में ब्रह्मलीन पूज्य परमानंद जी दिलीप बाबा के आश्रम में पूजनीय सदगुरु श्री भूरानंद बाबा की 30वीं पुण्यतिथि महानिर्वाण दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ है। तो वहीं आश्रम में चरण पादुका का पूजन किया गया है, कन्या भोज का आयोजन भी किया गया है, अखंड नाम का धुन का वाचन भी शुरू किया गया है और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। तो वहीं इस पुनीत अवसर पर शिवार्थ स्वामी जी द्वारा शिवोमा आश्रम इंदौर द्वारा परिसर में मंगलवार सुबह 8 बजे से चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया है। निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ था। शिविर में जर्मनी की 4G क्वेटा लाइजर मशीन से सभी की जांच की गई है। तो वहीं जांच की रिपोर्ट 120 पेज की बनती है। यह मशीन जिनके पास है वह एक जांच के करीब 4,000 रुपए लेते हैं, लेकिन यहां निशुल्क जांच इस मशीन से की गई है। वीसेट सिस्टम मैनेजर हूं। 26 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की है। 2000 में रिटायर हुआ, 19 साल आज रिटायरमेंट को हुए। मेरा उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति अंतिम श्वास तक स्वस्थ रहे, हमारे मृत्यु जो हो वो रोग के कारण से ना हो। जब हमारी उम्र पूरी हो गई तब हम चले गए, नहीं तो आज हम कैंसर से मर रहे हैं या हम इससे मर रहे हैं, इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। शिविर में सभी प्रकार के हैं, जिसमें अभी यहाँ मुझे कैंसर का एक भी मरीज नहीं मिला है। जनरली यहाँ की जो बीमारी है वो एक क्रशक होने के कारण से, मतलब व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन गठिया की बीमारी है, घुटने के दर्द की बीमारी है। कई लोग जो घर बैठे हैं उनको पेट की ज़्यादा बीमारी है, एक्जिमा की बीमारी है। ये जितने भी हैं ये रोग खेती से उत्पन्न हुए रोग हैं, कि जो खेती में रहते हैं तो नेचुरल है, उस चीज़ को जो है हमें थोड़ा सा भुगतना पड़ता है शारीरिक रूप से। ये हम 4G क्वांटम एनालाइजर से व्यक्ति की जाँच करते हैं। ये जाँच जो है 120 पेज की जाँच रिपोर्ट निकालती है। ये जर्मनी की मशीन है, ये हम फ्री में करते हैं। जिनके पास में ये मशीनें हैं वो लोग 4,000-4,000 रुपया एक रिपोर्ट का लेते हैं। हम किसी भी शिविर में, क्या मेरे यहाँ आश्रम पे भी जो है हम जो भी करते हैं ये सब फ्री में करते हैं। दवाइयाँ मैं खुद बनाता हूँ, जड़ी बूटियों की है, किचन के मसाले की है, जितनी चीज़ें हैं वो सब कॉस्ट प्राइस में देता हूँ। जैसे बताया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा तो मुझे पेंशन मिलती है, मुझे मम्मम की कोई शिकायत नहीं, ना मुझे पैसे का ऐसा है कि मुझे कमा करके कुछ वो करना है। उद्देश्य मैंने आपको बताया, व्यक्ति अंतिम सांस तक स्वस्थ रहे, बस वो उद्देश्य की पूर्ति हमारी होती रहती है। हम मन में जो है बिल्कुल संतोष रहता है।